मंदसौर मंडी के अंदर गेहूं की भी बंपर आवक हो रही है। मंदसौर मंडी के जो है वो वहाँ यहाँ जो गेहूं आते हैं दो क्वालिटी के अधिकतर गेहूं आते हैं, हालांकि कई क्वालिटी आते हैं, लेकिन जो बड़ी मात्रा में गेहूं आते हैं वो मिल क्वालिटी और जो है लोकवान क्वालिटी के आते हैं। ये लोकवान क्वालिटी के जो गेहूँ हैं ये हैं और फिलहाल मंदसौर में करीब 15 से 20 हज़ार बोरी की प्रतिदिन आवक हो रही है। हमारे साथ जो लोकेश जी हैं गेहूं के व्यापारी हैं, इनसे समझ लेते हैं कि मंडी के अंदर कितना गेहूं आ रहा है और आज जो है क्या बाज़ार रहा है। लोकेश जी, मार्केट टाइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आवक हो रही है गेहूँ की? गेहूँ की आवक 15 हज़ार बोरी के आसपास की है आज की मंडी की, और नीचे में 2140 रुपये बिका है, ये मालवराज करके आता है एक, ऊँचे में लोकवन 2800-2900 भी बिका है, मीडियम क्वालिटी 2400 से 2600 रही है, और माल की आवक अच्छी है, माल अच्छा आ रहा है अभी। एवरेज अगर 2600 मान लें, एवरेज 2600 रुपये, हाँ एवरेज अच्छा मान लो। मालवराज क्या? मालवराज 2140 से चालू है, 2140-2200 तक का माल, 3000 तक बिक रहा है, हाँ 2100 से 3000 तक गेहूँ। तो मंदसौर मंडी के अंदर जो है आज मंगलवार की जो आवक है वो करीब 15 हज़ार बोरी की है, और 2100 से कम जो है भाव है वो 2100 है। इसके अलावा जो बेस्ट क्वालिटी का गेहूँ है वो 3000 तक भी बिका है, लेकिन एवरेज जो भाव होता है वो करीब 2600 रुपये प्रति क्विंटल के दर से मंदसौर जो मंडी के अंदर वो यहाँ बिक रहा है।